와 이쁘다 잘했다 야 오호 so beautiful 우 야 우우 야 이따 좀 말해 야 오오오오 이야 오 마이 오오오 오바이 아야 오 이뜨나 덕이야야 So guys, मैं फाइनली मैं सालबारी का झील पे आ चुका हूँ और ये फॉरेस्ट जो आप देख सकते हो यहाँ के बहुत MTB जो साइकिलिस्ट है उन लोगों ने यहाँ का वीडियो लगाया था टिकटॉक में और यूट्यूब में इसलिए मैं भी वो देख के आया था। तो गाइस यार यहाँ पर साइकिलिंग करना बहुत ही मज़ा है। तो यदि आप MTB लवर्स हैं साइकिलिंग करना अच्छा लगता है आपको तो ये जगह जो है ज़रूर आपको विजिट करना चाहिए। सालबारी में बहुत मज़ा आ रहा है। तो वो थक चुका है, एक तो बहुत धूप लग रहा है, आज गर्मी है, तो हम घूमेंगे और ही जंगल और ऑफ रोड का जो है मज़ा और लेंगे। तो गाइस बने रहेगा इसकी वीडियो में, बहुत मज़ा आ रहा है, बने हुए रहेगा। ओ भाई ओ भाई ओ भाई 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 इतना ज्यादा ओ भाई ओह भाई बहुत इतना ज्यादा खराब हाय हाय। तो गाइस इस तरह का साइकिलिंग करने का मज़ा है कुछ और है यार, अकेला होने से भी जो है इतना मज़ा आता है, थकेगा ज़रूर लेकिन मज़ा इतना आएगा आपको, इतना थ्रिलिंग मिलेगा या। Yeah.
오바이. 오, 이따 내가 더블. 오, 이야, 아, 이야. तू गाइस यार इस तरह का जगह में जो है मैं बाइक साइकिलिंग करना बहुत ही मज़ा आता है। तो यदि आप साइकिलिंग लवर हो तो ज़रूर यार इस तरह का एडवेंचर हो ज़रूर करना। इस तरह का जो ट्रेल है ओ भाई ओ इतना ऑफ रोड है यार, ओ पत्थर है, ओ ओ भाई इतना ज्यादा पत्थर है यार, ओ भाई ओ भाई ओ भाई थोड़ा सा नहीं गया, बच गया। ओ भाई सीट अंदर चला गया यार, ऊपर करना पड़ेगा यार। ओ भाई इतना मजा। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to my YouTube channel, Ravi Tamang. Thank you.